Hello everyone, all of you are welcome in this vocabulary session. In this session, we shall discuss important words, their synonyms and antonyms. And these words are important for competitive exams as these are repeated words in previous competitive exams. Today's first word is generous. Generous. Generous means उदार. हिंदी में इसे अपन उदार कहते हैं. इसके सिनोनिम लिबरल, काइंड, बेनेवोलेंट, लेविश एंड प्रोडिगल. जेनरस मीन्स उदार, जो किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा किसी खर्च की परवाह न करके उस काम को करने के लिए रेडी रहता है, उस नेचर को हम कहते हैं जेनरस. लिबरल इन ऑल्सो उदार सिनोनिम है. काइंड दयालुता के लिए वर्ड यूज करते हैं. बेनेवोलेंट का मतलब होता है किसी लोक हित के काम को करने की इच्छा रखने वाला. बेनेवोलेंट लोक उपकारी, जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में. लेविश का मतलब होता है जो खर्च के अंदर खुला होता है, खुले हाथ खर्च करता है, लेविश. एंड प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब भी फिजूल खर्ची करने वाला, ज़्यादा व्यय करने वाले को कहते हैं. और यदि अपन इसके एंटोनिम्स की बात करें, इसके विरोधी शब्दों की, तो इसके एंटोनिम्स होंगे सेल्फिश, मीन, माइजर, स्कैंटी एंड मीगर. सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, मीन का मतलब भी कंजूस से होता है, यानी कि जो व्यय करने में कम खर्च करता है. माइजर भी कंजूस को कहते हैं. स्कैंटी, स्कैंटी भी अति कंजूस के लिए वर्ड यूज करते हैं हम, स्कैंटी. एंड मीगर, मीगर मीन्स भी कम खर्च वाला, यानी कि जो बहुत निम्न होता है, उसके लिए अपन छोटे के लिए, छोटी सोच वाले के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं मीगर. सेकेंड वर्ड इज एनामस. एनामस मीन्स अति विशाल, बहुत बड़े को कहते हैं हम एनॉर्मस. एनॉर्मस वर्ड के यदि सिनोनिम की बात करें, तो एनॉर्मस वर्ड के सिनोनिम्स हैं कलोसल, ह्यूज, इमेंस, वास्ट, जाइगेंटिक एंड मैमथ. कलोसल, कलोसल का मतलब भी वेरी लार्ज, बहुत बड़े से है. ह्यूज, ह्यूज आल्सो मीन बहुत बड़ा, लार्ज. सभी सिनोनिम्स एनॉर्मस के. इसी क्रम में इमेंस, इमेंस का मतलब भी विस्तृत से होता है. वास्ट, वास्ट आल्सो मीन विशाल. एंड जाइगेंटिक, जाइगेंटिक वर्ड, जायंट वर्ड बना है राक्षस, इसका मतलब भी होता है बहुत बड़ा आकार के अंदर, जाइगेंटिक. एंड मैमथ, मैमथ मीन्स वेरी बिग इन साइज, मैमथ. ये अपन कहते हैं एनॉर्मस के सिनोनिम्स. यदि हम एनॉर्मस वर्ड के एंटोनिम्स की बात करें, तो एंटोनिम्स में वर्ड आता है टाइनी, डिमिनिटिव, मिनी, लिटिल एंड स्मॉल. इसको एनॉर्मस का मीनिंग अति विशाल हुआ, तो इसका जो एंटोनिम्स है, इसके विरोधी शब्द हैं, का मतलब होगा टाइनी. टाइनी मीन्स वेरी लिटिल, छोटा सा. डेमिनेटिव, डेमिनेटिव का मतलब भी छोटे से होता है, जो आकार के अंदर छोटा होता है, उसे अपन डेमिनेटिव कहते हैं. मिनी, मिनी का मतलब भी छोटा. लिटिल एंड स्मॉल, वेरी इजी वर्ड. तो आप पर डे इन वर्ड्स को लर्न करें, इनका बार बार यूज करें, एक्सरसाइज करें. मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.